हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंगर निधि गुप्ता। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास बताने वाली हूँ और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो सिंगिंग सीखना चाहते हैं पर उनको पता नहीं होता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। सिंगिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? वो है रियाज़। जो लोग सिंगिंग सीख रहे हैं या सीखने का उनका मन है तो उनको पता नहीं है हमें कैसे क्या करना है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए। आई होप आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प होगी। तो मैंने ये यही सोच के ये वीडियो बनाया है कि मैं चाहती हूँ कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सिंगिंग क्लासेस, उनको एक सही चीज़ पता चले। क्योंकि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट ज़्यादातर लोगों पे सही कंटेंट, जो चीज़ होनी चाहिए, जो पता होना चाहिए कि क्या चीज़ ज़रूरी है, हमारा गला कैसे बनता है सिंगिंग के लिए, हमारा गला कैसे तैयार होता है, वो नहीं उनको मिल पाता है और वो सालों निकाल देते हैं बट उनको सही चीज़ नहीं मिल पाती है। सो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए कारगर साबित होगा, आपको ये पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर गर्ल्स हैं तो उनका स्केल होता है जी शार्प, और अगर बॉयज़ हैं तो उनका स्केल होता है सी शार्प। बाकी अगर आपका कोई स्केल है तो आप उसके हिसाब से भी इस रियाज़ को कर सकते हैं। तो मैं फीमेल स्केल से पूरा रियाज़ आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बताने से पहले आपको एक बार दिखा देती हूँ कि क्या कैसे करना है फॉलो अप को। ये मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख रखा है, तो आई थिंक ये मैं रियाज़ एक बार में आपको पूरा नहीं बता पाऊँगी कि क्या क्या होता है। सो मैं इसको दो पार्ट्स में आपको बताऊँगी। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। ये सारा रियाज शुद्ध स्वर का है। शुद्ध स्वरों का ही हम पहले रियाज़ करेंगे जिससे कि वो हमारे गले में अच्छे से उतर जाएं। उसके बाद कोमल स्वर और तीव्र स्वरों की बारी आती है। तो ये जो आपका रियाज है ये शुद्ध स्वर के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी सिंगर्स हैं वो जान लीजिए कि मेन होता है हमारा कॉन्सनट्रेट, मतलब कि हमें कॉन्सनट्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे चलो दो चार सॉन्ग गा लेते हैं और हमारा रियाज़ भी हो जाएगा साथ में, तो ऐसा कुछ नहीं है। रियाज़ रियाज़ होता है, वो अपनी जगह है और सिंगिंग अपनी जगह है, तो रियाज़ अलग चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है ओम। तो मैंने फर्स्ट नंबर पर लिखा है ओम। तो जो ओम होता है वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। चाहे हम सुबह उठ के योगा करें, एक्सरसाइज करें, ओम से जो हमारा ब्रीथ कंट्रोल होता है, मतलब के जो हम सांस लेते हैं वो बहुत मजबूत हो जाती है। और ओम के उच्चारण से जब हमारा ब्रीथ कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाएगा, ब्रीथिंग पावर अच्छी हो जाएगी, तो सिंगिंग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है करने के लिए वो है ओम। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ कि जो ये ओम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले हम ओम लगाएंगे, और ओम को भी मैंने जो ये डिवाइड किया है वो पांच चीज़ों में डिवाइड कर दिया है, अ ई ओ अंग। तो इन तरीके से हमें पूरा ओम बोलना है। तो सबसे मैं पहले पॉइंट को प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि ये कैसे होता है। तो हम आ जाते हैं अपने कीबोर्ड पर। सॉरी, यस, तो मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा स्केल है। गर्ल्स बॉयज़ अपना स्केल आप देख लीजिएगा। तो जो हमें ओम लगाना है, पहले हम अपना सा लेंगे, सा, इस तरीके से, ये हमारा सा है। अब इसी पे हमको ओम बोलना है और पूरे कंट्रोल के साथ और कॉन्सेंट्रेट के साथ। इस तरीके से ओम बोलना है, और इसको जब हम पांच शब्दों में डिवाइड कर देंगे जैसा कि लिखा है आ ई ओ अं, तो उसको किस तरीके से करना है, आई ओ अं, 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 और इसी को स्पीड में करना है। फिर जब आपका स्लो में तैयार हो जाए फिर इसको स्पीड में करिए,
आयो अंग आयो अंग आयो अंग आयो अंग, इस तरीके से हमको ये कुछ भी नहीं तो कम से कम ये 5 मिनट तो करना ही करना है। दिन में जब भी आप रियाज करने बैठेंगे तो आपको 5 मिनट ये ज़रूर करना है। सॉरी, ये थोड़ा सा रजिस्टर रख रखा है मैंने, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो जब आप 5 मिनट इसको कर लेंगे, उसके बाद जो आता है वो आता है सा। सेकंड नंबर पे है सा लगाना। सा भी हमें कम से कम कुछ भी नहीं तो 5 मिनट तो लगाना ही लगाना है हर हाल में। 5 मिनट पहले हम ओम का रियाज करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे सा पे। क्योंकि देखिए क्या कहा जाता है सिंगिंग के लिए कि अगर सा लगा लिया तो हमारे सारे स्वर पक्के हो जाते हैं। सा अगर सही से लग जाता है, सा को अगर हम साध लेते हैं, सा की साधना की जाती है, सा अगर सद गया तो हमारे सारे स्वर सद गए। तो सा हमें 5 मिनट लगाना है। सा इस तरीके से हमको सा लगाना है। और इसमें हमें कोई भी अपनी वॉइस को चेंज नहीं करना है, जो हमारी नेचुरल वॉइस है उसमें ही हमको सा लगाना है। ऐसा नहीं है कि हम उस अपनी वॉइस को चेंज कर रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा तेज बोल रहे हैं या हल्के बोल रहे हैं या अलग तरीके से उसको बना के बोल रहे हैं। जो हमारी नेचुरल वॉइस है उसी वॉइस में हमको सा लगाना है। इसके बाद बारी आती है थर्ड नंबर की, वो है माँ। माँ को हम किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी हमें करीब 5 मिनट लगाना है हर हाल में। मीन्स ये हो गया है, इसको बोलते हैं हमिंग करना। मतलब हमिंग के मतलब है कि हम अपने जो स्वर होते हैं उसको गले के अंदर, जो अंदर की वॉइस होती है, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो 5 मिनट हमें अपने गले से ये माँ मतलब हमिंग लगानी बहुत ज़रूरी होती है। किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जब आप मुंह बंद करके, इसमें मुंह नहीं खोलना है, और मुंह बंद करके सांस को रोक के उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करके छोड़ना है। तो लंबी सांस लेके पूरा मुंह प्रॉपर बंद करके और फिर अंदर ही अंदर आवाज़ जब हमारी गले में उतरेगी तो हमारे वोकल कॉर्ड्स और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और गला बनने में बहुत ज़्यादा एक आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसके बाद बारी आती है नीचे के स्वर, सा नी धा पा मा। जिन्होंने बेसिक सीख रखा है उन्होंने समझ लिया होगा, और अगर जिन्होंने बेसिक नहीं सीखा है मैं उनको बता देती हूँ कि नीचे के स्वर क्या होते हैं। तो हमारे हारमोनियम पर 3 सप्तक होते हैं, मंद सप्तक, मध्यम सप्तक और तार सप्तक। हर जो सिंगर होता है वो सप्तक के हिसाब से गाता है, और जो मैंने अपना स्केल ले रखा है जी शार्प, उसके हिसाब से इस स्केल से जो इधर वाले लेफ्ट वाले स्वर होंगे वो सारे नीचे के स्वर होंगे, और यहाँ से राइट वाले जो होंगे वो ऊंचे स्वर होंगे, मतलब तार सप्तक के आगे के स्वर जो होते हैं। तो हमें नीचे के स्वर का रियाज करना है, और नीचे के स्वरों के रियाज को हम खरच का रियाज भी बोलते हैं। तो सा से हमें नीचे की तरफ उतरना है। किस तरीके से, सा नी धा, सा नी धा पा धा नी सा। तो हमें इस तरीके से नीचे के स्वरों पर जाना है और वापस आना है, और सा के बाद एक एक स्वर पर थोड़ी थोड़ी देर रुकना है। और 4 दिन में 5 दिन में आप एक ही स्वर पर रुकिए, उसके बाद दूसरा सुन लीजिए कैसे। सा नी सा, जब आपका नी प्रॉपर गले में आ जाए उसके बाद नी के साथ धा लीजिए, सा नी धा नी सा। जब आपका नी और धा तैयार हो जाए उसके बाद पा पर आइए, सा नी धा पा धा नी सा। तो इस तरीके से आपको नीचे के स्वर तैयार करने हैं। और नीचे के स्वरों का हमें पता कैसे चलेगा, अगर हम रिटेन में कहीं पर देखेंगे तो जब नी धा पा माई जितने भी स्वर होते हैं अगर उनके नीचे बिंदु लगा होता है तो कहा जाता है कि नीचे के स्वर हैं। और अगर आपको पता करना हो कि ऊंचे स्वर कौन से होते हैं, ऊपर के स्वर कौन से होते हैं, तो ये जो ये बिंदु है ये अगर शब्दों के ऊपर लगाओ, मतलब स्वरों के ऊपर लगाओ, जैसे नी के ऊपर लगाओ, धा के ऊपर लगाओ, तो ये ऊपर के स्वर होते हैं। तो इस तरीके से इनकी पहचान होती है। तो आपको कम से कम 10 मिनट रेगुलर डेली बेस पे ये नीचे के स्वर अपने तैयार करने हैं, और एक एक करके सबको तैयार करना है। पहले सा के साथ नी कीजिए, जब नी हो जाए फिर धा, फिर पा, फिर माँ, ऐसे
गा रे सा सब कर लीजिए। जब ये आपका हो जाए कंप्लीट 10 मिनट, उसके बाद हम आते हैं अपने स्केल से, जो अलंकार हैं हमारे वो हमें करने होते हैं। तो आपने जो भी अलंकार सीखे हों, और अगर किसी को अलंकार नहीं पता है तो वो मेरी पहले की वीडियो में देख सकता है। तो हमें सबसे पहले अलंकार करने हैं बोल में। बोल का मतलब होता है स्वरों को बोल कर, सारे गामा पाधा नीसा। इस तरीके से जब हम अलंकार तैयार करते हैं तो उनको बोला जाता है बोल के तैयार करना, बोल अलंकार। और अगर हम उसको आलाप में करते हैं तो उसे बोला जाता है आकार अलंकार। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि बोल अलंकार कैसे करने हैं, रियाज में कैसे करने हैं। तो सबसे पहले हम पहला अलंकार ले लेंगे, सारे गामा पधानी सा सानी धप मागरे सा। अगर आपको इसको बीट पे करना है तो बीट पे भी कर सकते हैं ताल लगा के, बट अगर आप ऐसे ही करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे आपकी आवाज़ आपके कानों में ज़्यादा अच्छे से जाएगी। और अगर हम ताल के साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं उस चीज़ को। तो हमें अलंकार बोल करके करने हैं, कम से कम 10 मिनट हमें डेली ये करना है। मैं आपको पूरा बताती हूँ जो चीज़ करनी है। सारे गामा पधानी सा सानी प म ग रे सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा 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 रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा सा रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि सा सा नि ध प नि ध प म ध प म ग रे म ग रे सा सा रे ग म प रे ग म प ध ग म प ध नि म प ध नि सा सा नि ध प म नि ध प म ग ध प म ग रे प म ग रे सा सा रे ग म प ध रे ग म प ध नि ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग नि ध प म ग रे ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे नि ध प म ग रे सा। तो ये हमारे बोल अलंकार हो गए हैं, मतलब इस तरीके से हमने इसका 10 मिनट रियाज करना है बोल में, और फिर हमको इसी को आकार में करना है। देखिए ये पहले बोल में 10 मिनट, उसके बाद आकार में 10 मिनट। जो बेसिक अलंकार हैं हमारे, जो शुरुआत के अलंकार होते हैं, वो हमें 10-10 मिनट एक बार बोल में और एक बार आकार में। तो आकार में किस तरीके से करने हैं, तरीके से आपको आकार में 10 मिनट ये अलंकार लगाने हैं। और 10 मिनट से ज़्यादा आप शुरू में मत कीजिए, क्योंकि आकार अगर ज़्यादा किया जाता है तो हमारा गला बैठ जाता है, स्ट्रेन हो जाता है। तो शुरुआत में आपके लिए 10 मिनट ही ज़रूरी हैं। अगर आपसे इतनी स्पीड में ये नहीं हो रहा है तो आपको आप पहले इसको धीरे धीरे कर सकते हैं। धीरे धीरे, उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि एकदम से कुछ भी नहीं आता है, धीरे धीरे ही आता है। इसके बाद जो मैंने 6 पॉइंट लिखा है एडवांस अलंकार, मतलब के एडवांस अलंकार वो होते हैं जो इससे भी ऊपर होते हैं।
ये तो हमारे नॉर्मल नॉर्मल अलंकार थे, सारे गामा पा धनी सा सानी धापा मागा रे सा सासा रे रे गागा मामा पापा धाधा नीनी सासा सासा नीनी धाधा पापा मामा गागा रे रे सासा सारे गा रे गा मा गा मा पा। इस तरीके से ये नॉर्मल अलंकार है। और इससे भी जो उच्च श्रेणी के अलंकार होते हैं वो होते हैं एडवांस अलंकार, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एडवांस अलंकार कौन से होते हैं। मैंने आपको दो अलंकार एडवांस जो होते हैं वो पहले पिछली वीडियो में दिए थे, उनसे आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और जो आगे के और एडवांस अलंकार है वो मैं आपको और बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हैं, फर्स्ट ओम लगाना, फिर सा लगाना, फिर हमिंग करना, फिर नीचे के स्वरों का रियाज करना, फिर अपने स्केल से अलंकार लगाने हैं आपको बोल में बेसिक अलंकार, फिर अपने स्केल से अलंकार लगाने हैं आपको आकार में बेसिक अलंकार, और इसके बाद बारी आती है एडवांस अलंकार की। ये आपका 6 पॉइंट तब होगा जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे। अगर आप बेसिक जो अलंकार होते हैं अच्छे से लगाना सीख जाओगे उसके बाद ही आप एडवांस अलंकार कर पाओगे, मतलब आगे के, क्योंकि वो और ज़्यादा आगे पीछे तोड़ मरोड़ के बने होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आया होगा रियाज का। और ये सारा का सारा शुद्ध स्वर में है, इसमें कोई भी मैंने कोमल स्वर नहीं लगाया है, कोई भी स्वर मैंने इसमें तीव्र नहीं लगाया। तो आई होप आप उसको बहुत आराम से कर लोगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे अपना गला बनाने में, सिंगिंग के लिए गला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो ये नीचे के स्वर हैं सा नी धापा मा, इसका स्पेशली रियाज भी आप कर सकते हो कम से कम 20 मिनट। उसको बोलते हैं हम खरज का रियाज। स्पेशली लोग बहुत ज़्यादा करते हैं जिनकी आवाज़ बहुत बारीक होती है और वो अपनी आवाज़ में एक बेस चाहते हैं, मतलब एक भराव चाहते हैं, तो वो भराव लाने के लिए आपको स्पेशली खरज का रियाज करना पड़ेगा। बहुत सी सिंगर्स फीमेल हैं या फिर मेल हैं बहुत सारे, वो चाहते हैं कि हमारी आवाज़ में एक ठहराव नहीं है, हमारी आवाज़ में भराव नहीं आता हम कोई गाना गाते हैं, तो उसके लिए भी हमें नीचे के स्वरों का रियाज अगर हम करते हैं तो हमारी आवाज़ में एक भराव आता है, एक ठहराव आता है उससे, और गाने में बहुत ज़्यादा खूबसूरती आती है। सो फ्रेंड्स आप इन चीज़ों का रियाज कीजिए और मैं आपसे डेफिनेटली कहती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा अपने गले में अंतर दिखाई देगा। सा की साधना कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, सा में ही ओम को लगाइए, हमिंग कीजिए, नीचे के स्वरों का रियाज कीजिए और अपने स्केल से अलंकारों का रियाज कीजिए आकार में और बोल में, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जितने भी आपके फ्रेंड्स सिंगर्स हैं जिन लोगों को सिंगिंग सीखनी है या रियाज करने का तरीका उनको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको एक बार अप्लाई कीजिए और एटलीस्ट करीब 15 दिन तो करके देखिए, क्योंकि उससे पहले तो रिजल्ट नहीं आएगा। और मैं सभी सिंगर्स से कहना चाहूँगी कि खाली सिंगिंग करने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप एक एकांत शांत कमरे में बैठ के सुबह में या शाम में जैसे भी आपको सुटेबल हो आप जब रियाज करोगे तो ही आपके गले में एक गला बनेगा आपका और एक अंतर आएगा और आपको दिखाई देगा। क्योंकि हम जितना रियाज करते हैं, हम अपने संगीत की जितनी साधना करते हैं, संगीत हमें उससे ज़्यादा देता है। सो फ्रेंड्स आप संगीत की सेवा कीजिए, इसी तरीके से रियाज कीजिए और संगीत आपको बहुत बहुत कुछ देगा। अगर आप गाने को गाना सीख रहे हैं तो उससे पहले आप रियाज कीजिए, क्योंकि रियाज से आपको गाने में अगर 10 चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही आपके कानों में आपको समझ में आने लगेंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।